हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार स्मॉल कैप स्टॉक के ऊपर, जहां पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। डिटेल में बात करेंगे कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, कौन से लेवल पे ब्रेकआउट आया है और हम लोगों को कैसे अपने ट्रेड को प्लान करना है। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक के ऊपर। सबसे पहला स्टॉक है बियर्ड सेल। यहाँ पे अगर देखेंगे सिंबल बियर्ड सेल क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बियर्ड सेल के नाम से है कंपनी। अभी करेंटली जो है स्टॉक प्राइस 48 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। वीकली कैंडल क्लोज हो चुका है। डेली चार्ट पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में हम लोगों को स्लो एंड स्टडी एक अच्छा तेजी लगातार इस स्टॉक में हम लोगों को 37-38 के लेवल से तेजी देखने को मिल रहा है। नीचे के लेवल से नीचे जरूर जाता है स्टॉक, बट नीचे के लेवल से एक अच्छा बाइंग दिखता है। यहाँ पे भी एक अच्छा बाइंग देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी एक अच्छा बाइंग देखने को मिल रहा है। तो नीचे के लेवल से कंटिन्यूसली स्टॉक में हम लोगों को बाइंग दिख रहा है। स्टॉक में लोअर वीक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। वीकली बेसिस पे स्टॉक प्रीवियस वीक भी काफी स्ट्रांगली क्लोज हुआ था और इस वीक में तो स्टॉक ने बहुत ही अच्छा कैंडल क्लोज किया है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वॉल्यूम के ऊपर, तो वॉल्यूम में भी हम लोगों को एक अच्छा स्पाइक देखने को मिल रहा है। इस वीक में जो है स्टॉक के वॉल्यूम में वापस से स्पाइक देखने को मिल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक में ब्रेकआउट कहाँ पे आया है। स्टॉक जो है यहाँ पे 5 ईयर के बाद इस लेवल को क्रॉस कर रहा है। लास्ट टाइम अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो लास्ट टाइम जो है स्टॉक इन द मंथ ऑफ मई 2018 38-48 के जोन में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद से कंटिन्यूसली इस लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। अब जाके फाइनली इस लेवल के ऊपर जो है आपको ब्रेकआउट करके क्लोज दिया है वीकली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे अभी भी स्टॉक में हम लोगों को वेट करना होगा क्लोजिंग का। वीकली बेसिस पे ये कंफर्मेशन आ चुका है। वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे तो क्लियरली एक अच्छा कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है और स्टॉक ने जो है इस लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट भी लिया था और मई मंथ से कंटिन्यूसली इस लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। मई 2018 से जो है स्टॉक आपको इस लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। तो अब इस स्टॉक में जो है 5 ईयर के बाद, इनफैक्ट 5 ईयर 4 मंथ के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। स्टॉक में फर्दर और भी तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को हम लोग बाई कर सकते हैं। जितने भी लोग स्मॉल कैप के लिए सर्च करते हैं तो यहाँ पे जो है आप बेट कर सकते हैं। इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। क्लियरली अगर यहाँ पे देखेंगे 5 ईयर के टेन्योर में ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट आपको दिख रहा होगा। तो क्लियरली इससे पहले भी हम लोगों ने बात किया था, जब भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की साइड में जो है हम लोगों का टारगेट हो जाता है जो कप का डेप्थ होता है। यहाँ पे कप का डेप्थ जो है ऑलमोस्ट आपको है 30 पॉइंट का। ऊपर की साइड में जो है क्लियरली यहाँ पे हम लोगों को 74-75 का लेवल देखने को मिल सकता है और उसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो फिर 100 तक का एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो आपको अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करना है, यहाँ पे आपको अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करना है 34 रुपीज के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। 34 रुपीज के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे आपको अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करना है। ऊपर की साइड में जो है 74-75 आपका पहला टारगेट रहेगा और उसके ऊपर जो है फिर आपको 100 और फिर 125 का लेवल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक है विलिस्पन स्पेशल सॉल्यूशन। इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर यहाँ पे आपको कंपनी का नाम देखने को दिक्कत हो रहा है तो WELSPL SOL के नाम से जो है आपको मिल जाएगा स्टॉक। स्टॉक में हम लोगों को सबसे पहले अगर देखेंगे तो करंट वीक में आपको एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 35-40 के जोन में स्टॉक यहाँ पे अच्छे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। इनफैक्ट 9 वीक से, यानी कि मोर देन 2 मंथ से स्टॉक इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में आपको एक अच्छा फ्लैग एंड पोल पैटर्न का भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक ने पहला यहाँ पे आपको एक अच्छा तेजी किया, उसके बाद जो है यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, वापस से जो है यहाँ से यहाँ आपको एक अच्छा फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और अब वापस से इस स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है।
इस स्टॉक में भी अगर देखेंगे तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हम लोगों को दिख रहा है और स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर रहा है। इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई जो है वो आपको 50 रुपीज 76 पैसे का था, जो कि 2009 के फरवरी मंथ में लगा था। अब काफी टाइम के बाद सबसे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ये ब्रेकआउट जो है ऑलमोस्ट आपको 13 ईयर के फॉर्मेशन में हुआ है। 13 ईयर लगा आपको इस पैटर्न को फॉर्म होने में और उसके बाद ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे जो है मंथली कैंडल पे देखेंगे तो एक इनसाइड कैंडल का भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक में एक शानदार तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। हम लोगों का जो है 50 का पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर 60 और उसके ऊपर फिर 80 और 100 का भी लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे जो है आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। इस स्टॉक को आप करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। नीचे की साइड में जो आपको अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करना है 35 रुपीज के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे आपको अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करना है। ऊपर की साइड में जो है 50, 60 और फिर 75 और 100 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है वास्कॉन इंजीनियरिंग। इस स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी इससे पहले भी हम लोगों को देखने को मिला था और उसके बाद से स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिला था। 65 के लेवल के ऊपर जो है इस स्टॉक में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था। क्लियरली अगर मंथली चार्ट पे इस स्टॉक को हम लोग देखेंगे तो स्टॉक में 65 के लेवल के ऊपर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। 2011 में जो है स्टॉक इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया था। फाइनली आफ्टर 12 ईयर के बाद इस स्टॉक में जो है हम लोगों को ब्रेकआउट दिखा। साथ ही साथ जो है यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का भी फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है जिसका कि ब्रेकआउट अब हो चुका है। स्टॉक जो है ऊपर की साइड में 200 के लेवल की साइड मोमेंटम कर रहा है। इस स्टॉक में एक बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास ये स्टॉक है आप होल्ड करके रख सकते हैं। इनकेस अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है यहाँ पे अभी एग्रेसिवली पोजीशन को बिल्ड नहीं करेंगे। आप 50% अपने पोजीशन को यहाँ पे बना सकते हैं। थोड़ा सा अगर करेक्शन हो जाए तो फिर आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस स्टॉक को, या फिर कंसोलिडेशन हो जाए तो भी आप अपने पोजीशन को वापस से ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आप 50% पोजीशन को अगर यहाँ पे बना लेते हैं तो ऊपर की साइड अगर यहाँ पे सपोज विदाउट पुल बैक दिए भी निकल जाता है तो स्टॉक को आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। नीचे की साइड में अगर बात करेंगे, नीचे की साइड में आपको अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करना है 50 रुपीज के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। ऊपर की साइड में जो है 125, 150 और फिर 200 की तरफ एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और लास्ट स्टॉक की बात करेंगे तो लास्ट स्टॉक है जी एफ एल लिमिटेड के शेयर में हम लोगों को एक अच्छा कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा है। स्टॉक जो है काफी टाइम से 80 रुपीज से 95 रुपीज के रेंज में स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। अब जाके फाइनली स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। मंथली चार्ट पे बात करेंगे तो स्टॉक जो है इस स्टॉक में 3 इयर्स के बाद जो है स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी आता हुआ दिख रहा है। 2020 में लास्ट टाइम जो है स्टॉक में हम लोगों को 2019 में एक अच्छा गिरावट देखने को मिला था और उसके बाद से स्टॉक जो है इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। अब धीरे धीरे स्टॉक नीचे के लेवल से निकलना स्टार्ट कर चुका है। 80 रुपीज़ के नीचे अपने वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करके आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। ऊपर की साइड में 150-200 जो है वो आपका टारगेट होना चाहिए। आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।